नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। झांसी की एरिश थाना पुलिस ने चुनाव से पहले चेकिंग के दौरान 18 लाख की नकदी पकड़ी है। उप नकदी से आई कहां से आई और कहां ले जाई जा रही थी, इसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। एरिश थाना प्रभारी श्रीदीप कुमार अपनी पुलिस टीम के साथ आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए कोटरा पुल के पास चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को मऊरानी की ओर से आ रही एक स्कॉर्पियो नजर आई। शक होने पर कार को रोका गया और तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसमें 18,08,400 रुपए बरामद हुए। आप सभी सादर अवगत है, जनपद झांसी के अंदर एसएसपी सर के निर्देशन में एक चेकिंग अभियान चल रहा है। क्यों ये आचार से लगी है और चुनाव इलेक्शन मोड में हम लोग तो उसी प्रक्रिया में एसओ एनएच और एसओ का कार्रवाई जालौन बॉर्डर पर चेकिंग कर रहे थे तो एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो मरवंतपुर से झांसी मरवंतपुर से उरे की तरफ जा रही थी आधी दिखाई दी। इन्होंने दोनों ऑफिसर्स ने रोका, उसको रोक करके तलाशी ली। उनके पास दो बैग दिखाई दिए, क्योंकि बैग दिखाई दिए तो जान कही उसमें पैसा था। तभी एसओ एनएच दोनों एसओ साहिबान ने संबंधित अधिकारी को सीओ साहब को एसडीएम साहब को बुलाया गया। उनकी उपस्थिति में ये सब कार्रवाई हुई है। जहां एक तरफ बीजेपी दलित मुह को दिखाने के लिए घर घर जाकर नेता खाना खा रहे हैं और जिसकी तस्वीरें सामने आ रही है, तो वहीं गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने चुनाव की वजह से मजबूरी में दलित के घर खाना तो खा लिया, इसके बाद उस दलित का मजाक उड़ाया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रवि किशन के वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह से वो दलितों का मजाक बना रहे हैं। इस वीडियो आती है, वही रवि किशन के फोटो पर भारत सरकार के मंत्री एनसीपी नेता नवाब मलिक ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पत्तल में पूरी सलाद भाजी सब रसोई कमाल है, दलित लोटे में पानी पिए और अभिनेता कागज के गिलास में, वहां बचवा वहां जिंदगी झंडवा, फिर भी घमंडवा का तोहफा यहाँ पर सरकार आम जनता को दे रही है। मुजफ्फरनगर में मीरापुर विधानसभा से घोषित बीजेपी के प्रत्याशी प्रशांत गुर्जर मुजफ्फरनगर के भारतीय जनता पार्टी के जिला मुख्यालय पहुंचे और पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान सभी पत्रकारों ने प्रशांत गुर्जर को बधाई दी और उनसे बात की। इस दौरान प्रशांत गुर्जर से पूछा गया कि आप किन मुद्दों को लेकर मीरापुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए गए सभी विकास कार्य को ही गिना पाए। उन्होंने अपना कोई मुद्दा मीरापुर विधानसभा की जनता के लिए तैयार नहीं किया। ये सब काम जो हाईवेज बनाए हैं, शौचालय घर घर में मोदी जी ने बनाने का काम किया है, लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। आप मैं मुजफ्फरनगर में बैठा हूँ, मुजफ्फरनगर में आपने दंगा देखे होंगे, लेकिन पिछले 5 साल में आपने दंगा नाम की कोई बात सुनी नहीं होगी। पिछले 5 साल में आपने कोई अपहरण की बात नहीं सुनी होगी, कोई बलात्कार की बात नहीं सुनी होगी। तो सब लॉ एंड ऑर्डर सब योगी जी का इतना बढ़िया चल रहा है, इतना बढ़िया देश का विकास हो रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, किसानों के गन्ने के 30 रुपये बढ़ाए हैं और इतना रुपया शुगर मिल का जो 5 साल तक का बकाया था वो भी देने का काम सरकार कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि जनता सब कुछ देख रही है। विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। विधानसभा चुनाव को लेकर जनपद मुजफ्फरनगर में नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है। मुजफ्फरनगर में सभी पार्टियों के घोषित प्रत्याशियों ने नामांकन किया। मुजफ्फरनगर के कचहरी परिसर में स्थित जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे प्रत्याशियों ने नामांकन किया, वो भी कोरोना गाइडलाइंस और आचार संहिता के दायरे में नामांकन किया गया है। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आया है। मुद्दे हैं, भाजपा ने मुद्दे छोड़ दिए पूरे 5 साल में और तो कुछ काम किया नहीं। तमाम मुद्दे हैं, आज किसान बेरोजगार नौजवान है, मजदूर है, तमाम वर्गों आज सारे उत्पीड़ित हैं सब वर्ग, और आज इतनी स्थिति खराब है पूरे उत्तर प्रदेश में। कानून व्यवस्था को ले लो, हर चीज़ को, कोई विकास कार्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है एक धार्मिक उन्माद फैलाने का पूरे 5 साल काम किया गया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। हम जो है
गठबंधन जो है पूरा भाईचारा पैदा करना चाहता है, इस प्रदेश में विकास करना चाहता है और विकास के ही मुख्य रूप से विकास के मुद्दे को लेकर ही हम लोग उतरने काम करेंगे चुनाव में। 2022 विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में तमाम सियासी दल राजनीतिक पार्टियों से गठबंधन कर रही है, तो ऐसे में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा क्यों पीछे रह जाएं? मौलाना तौकीर रजा वही हैं जो अक्सर अपने विवादित भाषणों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में मौलाना ने धर्म संसद पर मुस्लिम जमात बुलाई थी और खुले मन से धमकी दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हालांकि कांग्रेस का दामन थामने के बाद मौलाना की काफी फजीहत भी हो रही है। हमने बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत से अपना कैडर खड़ा किया था और ये वक्त आया था जब हम अपनी उस मेहनत का समरा पा सकते थे, लेकिन अपने प्रदेश में अमन और शांति के लिए, फसाद से बचाने के लिए, मैंने महसूस किया कि हमारे चुनाव लड़ने से कहीं फिरका परस्त ताकतों को फ़ायदा पहुंचने का अंदेशा है, तो बहुत गौर किया कि अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमारी कार्यकारिणी ने ये फैसला किया कि किसी सेकुलर जमात की हिमायत करनी चाहिए। सेकुलर जमातों में तमाम लोगों पर गौर किया गया, तमाम लोगों पर बात की गई, आखिर में फैसला हुआ कि कांग्रेस वाहिद वो जमात है जिसकी इस वक्त उत्तर प्रदेश को और हमारे देश को ज़रूरत है। हरिद्वार में हुए धर्म संसद के विरोध में आईएमसी प्रमुख मौलाना ने शुक्रवार को बड़ी संख्या में मुसलमानों को इकट्ठा कर धर्म संसद को लेकर अपनी नाराजगी दिखाई है। साथ ही साथ कहा कि हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, हमने बर्दाश्त किया, कुरान को लेकर खून के आंसू रोए, हमने बर्दाश्त किया लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतिहाद ए मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने इस दौरान कहा कि 20,000 लोग आए हैं सर पर कफन बांधकर, इन्हें थोड़े हथियार दे दो, चीन के कब्जे से कैलाश मानसरोवर ले लेंगे, हमारे 20,000 पाकिस्तान को हिंदुस्तान में शामिल कर लेंगे, इन्हें ट्रेनिंग दो और हथियार दो। आज हम आपको बलिया से एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जरा इस वायरल वीडियो को देखिए। ये वायरल तस्वीरें बलिया जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की है, जो सड़क पर उतरकर गरीब ठेले वालों से 10 रुपए के बादाम 50 रुपए में खरीद रहे हैं और उन्हें कोरोना वैक्सीन के डोज की जानकारी भी ले रहे हैं। जरा सुनिए मजाकिया अंदाज में जिलाधिकारी की जुबानी। यार बच्चा बंद होता है, कहाँ पढ़ते हो, ये कितने रुपए का देते हो? ये 30 रुपए का। अरे भाई कितने रुपए का है? 10 रुपया भाग रहे हो कलेक्टर को? तुम यार बड़े बदमाश हो। ले अच्छा तुम्हें 50 रुपया देता हूँ, बाकी का वापस नहीं करोगे? वहीं ललितपुर में जमीनी विवाद के चलते दबंग होमगार्ड ने महिलाओं को बुरी तरह से पीटा है। होमगार्ड और उसके साथियों ने महिलाओं के साथ गाली गलौज कर लाठियों लात घूसों से पीटा और बुरी तरह से घायल कर दिया। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित महिलाओं ने एसपी ललितपुर निखिल पाठक से न्याय की गुहार लगाई है। अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे वो नाराज भी नजर आ रही हैं। आगरा में ठंड ने शहरवासियों के होश उड़ा दिए हैं। ठंड के कारण लोगों का बुरा हाल हो रखा है। ठंड से बचने के लिए लोगों ने जगह जगह अलाव का इंतजाम किया। बढ़ते कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार को धीमा कर दिया है। कोहरे को देखते हुए सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। तीन चार दिन से तो भयंकर सर्दी है और कोहरा ही पड़ रहा है।
धूप वूप नहीं निकल रही है? धूप नहीं निकली 3 दिन से। आज कैसा कोहरा है, सर्दी कैसी? भयंकर ठंड है और कोहरा भी है, गलन हो रही है बहुत तेज। सिद्धार्थनगर जिला अस्पताल में दलालों का बोलबाला दिखाई दे रहा है। सरकारी एम्बुलेंस में मरीजों को ना ले जाने के बजाय प्राइवेट एम्बुलेंस में सारी सुविधा की ये बात करते हुए नजर आते हैं। मरीजों से मोटा पैसा वसूला जा रहा है। जिला अस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंस कर्मचारियों द्वारा ये मोटी रकम धड़ल्ले से ली जा रही है। आखिर किसके कहने पर यह हो रहा है, इस खेल का जिम्मेदार कौन है, ये तमाम सवाल हैं जो लगातार बने हुए हैं। तो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 108 को ये खराब बताते हैं। प्राइवेट एम्बुलेंस कर्मी की बात करते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। सरकारों से सवाल पूछना है मेरी आदत। मैं वो नहीं हूँ जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते, मैं वो हूँ जो सत्ता से ही सवाल पूछता हूँ। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, उसी में बात करता हूँ। राष्ट्रहित 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 किसी ने राष्ट्रहित नहीं दिखाया। मेरा अंदाज है बेबाक। माननीय मेनका गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा सांसद जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे। हम उठाते हैं आपके मुद्दे। माहौल गरम है, मुद्दा भी गरम है। तो बजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे? अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। भारत माता की। हम लेते हैं सीधा सरकारों से जवाब। बहुत सारे सवाल है। इस आंदोलन में बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गवा दी। लखीमपुर तो आप पहुँच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई? न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं? आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे, तब आपकी सरकार आती है। हम हैं न्यू वर्ल्ड इंडिया। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की, जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं, तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभाले। कल को आप मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे ऐसे मौके से थोड़ी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहाँ पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहाँ पर शराब के ठेके दे दिए। जगह नहीं अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते नहीं? हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे को डर भैया, तो अपने लूटा गैरों में का दम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड तिलक चावला के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। एशिया की खूबसूरत रजू मार्ग में एक जोशीमठ हॉली रोपवे और चेयर लिफ्ट का संचालन मंगलवार से एक बार फिर शुरू हो गया। रोपवे और चेयर लिफ्ट शुरू होने से पर्यटकों और पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल गए। दरअसल 9 जनवरी को रोपवे विभाग के 27 कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से 10 जनवरी को प्रशासन ने रोपवे संचालन बंद कर दिया था। जोशीमठ हॉली रोपवे चेयर लिफ्ट के ऑपरेशन मैनेजर इंजीनियर दिनेश भट्ट ने बताया कि अब सभी कर्मियों की आइसोलेशन पीरियड पूरा होने पर स्वास्थ्य विभाग ने दोबारा जांच की है, सबकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। लिहाजा आज से आला अधिकारियों के निर्देश के बाद सुबह 9:15 से कोविड नियमों के साथ जोशीमठ ऑली रोपवे और चेयर लिफ्ट ऑली का संचालन पर्यटकों के लिए शुरू कर दिया गया। सुबह से ही GMVN रोपवे टिकट काउंटर जोशीमठ पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली। अगर
तारीख को हमारा स्टाफ का एक कोविड का जो टेस्ट हुआ था उसमें 27 लोग संक्रमित पाए गए थे, जिसके 7 दिन का इनको होम क्वारंटीन किया गया है। कल पुनः इनके पास एक बार टेस्ट किया गया जिसमें सबके सब नेगेटिव आए गए हैं, तो इसलिए हमने विधिवत आज से दिनांक 18 से हमने इसका संचालन कर दिया है रोपवे एंड चेयर लिफ्ट का, जिसमें 27 से 27 नेगेटिव आए हैं स्टाफ, और इसका हमने आज से स्टार्ट कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एवं थराली विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम से बात की हमारे संवाददाता सुरेंद्र धनेत्रा ने। इस दौरान डॉक्टर जीतराम ने अपने पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि थराली विधानसभा में कांग्रेस को राज्य बनाने के बाद सिर्फ एक बार ही प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है और उसमें हमने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। आगे क्या कुछ कहा सुनिए। इंडिया की टीम जो पूर्व विधायक हैं थराली के प्रोफेसर जीतराम जी, उनके साथ हम वन टू वन बातचीत करेंगे उनसे, जो उनका पिछला कार्यकाल रहा, जो निवर्तमान विधायक है विधायक जी के जो मुनि देवी हैं उनके कार्य से वो कितना संतुष्ट है कि उनके विधानसभा के अंतर्गत उन्होंने इन पिछले 5 सालों में क्या विकास कार्य किए, और जो डॉक्टर साहब की जो पिछला जो कार्यकाल रहा उसमें उन्होंने क्या विकास कार्य किए, और जो आने वाला जो 2022 का चुनाव है उस चुनाव में वो कितना अपनी जीत के लिए और अपने पार्टी के लिए आश्वस्त है कि उनकी सरकार बनेगी और इस थराली से वो विधायक का प्रतिनिधित्व करेंगे जनता का, तो कितना आश्वस्त है, तो हम उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं कि डॉक्टर साहब जो 2022 का चुनाव आने वाला है उस चुनाव में आप कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे और आप आज बड़ा चेहरा भी हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आपको एक दलित चेहरा मानते हुए प्रदेश में कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी है, तो निसंदेह आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है इसमें चुनाव को लेकर के, और अपने अपनी विधानसभा से भी आप चुनाव लड़ेंगे, तो 2022 का जो चुनाव है उसके परिप्रेक्ष्य में भी आपको कहना है, और 2007 में आप 12 में विधायक थे, आपने अपने क्षेत्र में क्या काम किया, जो निवर्तमान विधायक थी उनके कामों से कितना संतुष्ट है, इन चीजों पर लेकर के आपको क्या कुछ कहना है। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ न्यूज वर्ल्ड इंडिया को कि आप लोगों ने हर विधानसभा में जाकर के वहां में 1-to-1 बात की। थराली विधानसभा का जो हमारा कार्यकाल था 2012 से 2017 का, उस कार्यकाल को उसमें भी हमें 2013 में आपदा का सामना करना पड़ा, 2016 में हमने जो सरकार हमारी गिर गई थी, राष्ट्रपति शासन लगा था, उसके बावजूद भी हमने थराली विधानसभा में उस समय अभूतपूर्व विकास हुए, पॉलिटेक्निक की स्थापना हुई, हमारे बच्चे आज उसमें पढ़ रहे हैं, तलवाड़ी में पीजी की क्लासेस का शुरुआत हुई, यहाँ पर विद्युत वितरण खंड खुले, सिंचाई खंड खुले, बैतोली के अंदर औद्यानिकी और वानिकी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना यहाँ पर शुरुआत की, हमने तमाम पेयजल की योजनाएं, चाहे माल बजवाड़ की पेयजल योजना हो, चाहे नंद केसरी वाल्दम पंपिंग योजना की बात हो, तमाम जो यातायात के साधन थे इस क्षेत्र से, हमारे कभी गांव जो है वो बहुत सारे गांव थे जो यातायात से नहीं जुड़े थे, जो सड़क से नहीं जुड़े थे, उनको रेड नेटवर्क का काम हमने बहुत सारे रोडों की स्वीकृति की, जो पुराने रोड पेंडिंग थे उनकी शुरुआत कराई, पर्यावरण की स्वीकृति हुई, और लगभग 5 दर्जन से अधिक 60 से 65 सड़कें हमने अपने समय में उनकी या तो पर्यावरण की स्वीकृति दिलाई या नई सड़कें स्वीकृत करा करके उनमें पर्यावरण की स्वीकृति कराते उन पर काम शुरुआत की, या हमने उनका शासनादेश किया, जो सड़कें कुछ बची थी 2-4 सड़कें जिनमें 1-2 सड़कों में पर्यावरण की स्वीकृति क्लियर नहीं हुई। आगामी विधानसभा चुनाव में देखा जा रहा है कि भाजपा अभी तक अपने प्रत्याशियों की जो सूची है वो तय नहीं कर पाई है, जारी नहीं कर पाई है, और कांग्रेस में कहें पहले ये माना जा रहा था कि आप प्रत्याशी के रूप में थराली विधानसभा से सशक्त रूप से दावेदार हैं, लेकिन अभी वर्तमान में ये लग रहा है कि जो मीडिया के माध्यम से जो छन किया रहा है कि 3 दावेदार और यहाँ पे टिकट की दावेदारी करते हैं, लेकिन अगर 2022 में अगर आपको कांग्रेस की तरफ से विधानसभा थराली के टिकट की उम्मीदवारी मिल गई तो आपका 2022 के लिए जो उसके बाद क्या विजन रहेगा, और आप जनता के लिए जो आपके अधूरे कार्य हैं क्या करना चाहेंगे। देखिए, अगर 2022 में मुझे मौका मिलता है इस विधानसभा की नेतृत्व करने का, तो मैं इस विधानसभा का जो अधूरा विकास है उस विकास को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। इसमें स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं होंगी, रोजगार के संसाधनों के विकास की बात होगी, इसमें जो हमारे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत यहाँ पर सुविधाओं का अभाव है उनको आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। चाहे हमारे क्षेत्रों में जिस तरह से किसान परेशान है, हमारी खेती जो है बहुत
जो हमारे किसान वर्ग है खेती में जो जंगली जानवरों का जो बहुत बड़ा प्रभाव है, प्रकोप है, उसके भी हम सरकार के सम्मुख रखेंगे, उसको भी दूर करने का प्रयत्न करेंगे कि हमारे जंगली जानवरों से निजात मिले किसानों को, ताकि हमारे जो यहाँ के संसाधन हैं, जो हमारे कृषि जो फसलें हैं उनको सुरक्षित किया जा सके। इस तरह के कई अन्य सड़कों का जहाँ अधूरी सड़कें हैं उन सड़कों को पूरा करने का काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जो अभाव है उसको पूरा करने का काम करेंगे। पेयजल के क्षेत्र में हम काम करेंगे। यातायात को दुरुस्त करने का प्रयास हम करेंगे। और तमाम सारे काम हैं जो इन 5 सालों में जो ये पिछली सरकार नहीं कर पाई, उस कामों को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और सबसे बड़ा चुनौती इस समय जो बेरोजगारी और महंगाई है, हम कैसे उससे निजात पाएंगे, उसको हम अपने सरकार में दूर करने का प्रयास करेंगे, उससे राहत देने का प्रयास जनता को करेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि ये थराली विधानसभा उत्तर उत्तर आगे बढ़े, यहाँ का एक आदर्श विधानसभा के रूप में ये स्थापित हो। चाहे हम यहाँ तक कि पिछली बार मैंने थराली को जिले की बनाने की बात भी करी थी, और उसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री को अगर मैंने कहा उत्तराखंड में एक भी जिला बनेगा तो थराली को भी जिला बनाया जाए, उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने अपना त्याग पत्र भी उस समय सरकार को सौंपा था। हम थराली के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, और थराली के विकास में भी जो भी संभव होगा हम हर संभव प्रयास करेंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार यूपी में प्रचार के रण में उतरे और काशी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। बीजेपी ने जो प्रचार का प्लान तैयार किया है उसमें पहले डिजिटल प्रचार और मैदानी जंग दोनों मोर्चे पर पुख्ता तैयारी है, और ये तैयारी बीजेपी के दो बड़े चेहरों को केंद्र में रखकर की गई है। एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सबसे बड़े नेता और स्टार प्रचारक, दूसरी तरफ है अमित शाह, देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य। पीएम मोदी यूपी चुनाव में डिजिटल मोर्चे पर विरोधियों का किला ध्वस्त करेंगे, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह मैदान में बीजेपी को ग्राउंड स्तर पर मजबूत करेंगे और जीत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे। ये दोनों नेता 22 जनवरी के बाद यूपी के समर में सियासी दावपेच का खेल खेलेंगे। पीएम मोदी के वर्चुअल प्रचार के ब्लूप्रिंट की बात करें तो उसके मुताबिक पीएम मोदी हर दूसरे दिन यूपी की जनता से जुड़ेंगे और वो सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से बात करेंगे। इसके लिए बीजेपी ने 403 एलईडी वैन तैयार किए हैं। यूपी की हर विधानसभा में एक एलईडी वैन रहेगी। इसके अलावा पार्टी ने पूरे यूपी में 27,000 से ज्यादा शक्ति केंद्र बनाए हैं। इन सभी शक्ति केंद्रों पर एक एलईडी टीवी लगाया जाएगा, जहां लोग कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए पीएम की रैली से जुड़ेंगे। अब तक के प्लान के मुताबिक हर विधानसभा सीट पर 27 वर्चुअल रैलियां होंगी और हर रैली में अलग अलग वर्ग को टारगेट किया जाएगा। इसके अलावा जिले में बैठक करने वाले बड़े नेताओं को भी वर्चुअल रैली से जोड़ा जाएगा। दूसरी तरफ 23 जनवरी से गृह मंत्री अमित शाह यूपी के मैदान में अपना दम दिखाएंगे। यूपी के सभी 75 जिलों का दौरा करेंगे। दौरे के बीच चुनावी रैली और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भारत समेत दुनिया के कई देश कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की चपेट में हैं। कोरोना के इस वेरिएंट का पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में सामने आया था, जो अब कई देशों में पैर पसार चुका है। हालांकि ओमिक्रॉन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले कम घातक है, लेकिन भारत के कई हेल्थ एक्सपर्ट्स ने लोगों को चेताया है और कहा है कि इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। हालांकि लोगों को एहतियाती उपाय करना बंद नहीं करना चाहिए और कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर कोरोना मामले की हम बात करें तो कोरोना के मामले भी देश में लगातार बढ़ रहे हैं।